पिछले कुछ दिनों से गोंदिया जिले में धूप तेज हो रही है और जिले का पारा भी चढ़ रहा है और जिले का पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और गोंदिया जिला परिवहन विभाग ने गोंदिया शहर में सभी सिग्नल को बंद रखने का ऐलान किया है। दोपहर 2 घंटे तक पारा चढ़ने के कारण दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भीषण गर्मी होने के कारण गोंदिया शहर में 2 घंटे के लिए सिग्नल बंद रहेंगे, जिससे गोंदिया शहर के लोगों को तेज धूप से राहत मिलेगी। ट्रैफिक विभाग ने यह फैसला सिग्नल बंद होने और धूप में खड़े होने पर लोगों को झुलसने के कारण लिया है। यातायात विभाग के पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने कहा कि आगे पारा और चढ़ेगा तो सिग्नल ऑफ रखने का समय बढ़ाया जाएगा। गोंदिया शहरात मुख्यतः 2 सिग्नल आहेत, एक जयस्तंभ चौक मध्ये आणि दुसरा बालाघाट टी पॉइंटवर। म्हणून आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत चर्चा करून दोन्ही सिग्नलचे टाइम दुपारी 2 ते 4 या काळात ब्लिंकर ठेवलेले आहेत, त्या काळात कुठली सिग्नल राहणार नाही। नागरिकांनी ब्लिंकर याच्यामध्ये आपल्या चारही बाजूला बघून वाहन काढावे। जर तापमानात आणखी वाढ झाली तर आणखी आम्ही वरिष्ठांशी चर्चा करून 1 तास त्याच्यामध्ये एक्झेम्प्शन देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू। आणि आपल्या माध्यमातून नागरिकांना मी विनंती करतो की विशेष काम नसतील तर त्यांनी उन्हातून जाण्याचे टाळावे।